ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सी द सुल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम चर्चा करेंगे खुशी के बारे में। परमपिता परमात्मा 12 तारीख के मई के महीने के इस ईश्वर वरदान में हमें कहते हैं कि आप बेहद की खुशी में जाओ। एक है हद की खुशी और एक है बेहद की खुशी। हम दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर परमात्मा चाहते हैं कि देखिए, परमात्मा हो गए अनलिमिटेड बेहद में, और दुनिया होगी हद में। जो भी चीज़ें आपके आसपास से आप आंखें दौड़ा के देखिए, चाहे आपका खुद का शरीर ही हो, अगर आपको शरीर से बहुत मोह है अपने कि हाँ मेरा शरीर अच्छा दिखता है, खूबसूरत है, तो वो भी अगर आप सोचें तो वो तो आपको मिट्टी का शरीर मिला हुआ है, 5 तत्वों से तो मिला हुआ है। और ये दुनिया हम कहते हैं परमात्मा का सब कुछ दिया है, तो ये दुनिया, ये 5 तत्व भी परमात्मा हो गए, ये लोक भी परमात्मा का हो गया, तो तीनों लोक त्रिलोक भी परमात्मा के, तो ये लोक भी धरती भी परमात्मा की, सारी दुनिया परमात्मा की। और हम गलत फहमी से कहते हैं ये सब कुछ मेरा है, मेरा शरीर कह देते हैं। तो कोई चीज़ लोन में ली हुई हो तो उसको हम मेरा नहीं कह सकते ना, उसको तो वापस लौटाना होता है। तो ये शरीर भी हमने लोन में लिया है इस धरती से, उसको अगर हम मेरा मेरा कहेंगे और इस शरीर को कुछ हो जाए तो दुख होता है। मेरा मोबाइल कहा आपने, कल वो मोबाइल गिर गया या गुम हो गया, आपको दुख होगा। लेकिन अगर आप उससे डिटैच रहें, आप ज़रूर यूज़ करें उस चीज़ को, ये शरीर को भी आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको मेरा मेरा ना कहें, तो जाके परमात्मा कहते हैं कि आपकी हद की खुशी बेहद में परिवर्तन हो जाएगी। आपकी अटैचमेंट्स ही आपको दुख देती हैं, चाहे छोटी सी छोटी अटैचमेंट हो, चाहे धन से अटैचमेंट हो, इस तन से अटैचमेंट हो, चाहे आपके आजू बाजू जो भी आपको आंखों से दिख रही हैं चीज़ें, घर बार में जो आपने खरीद के रखी हैं, किसी ने गिफ्ट करी हैं आपको, उस सारी चीज़ों से आपको अटैचमेंट हो, उनमें कुछ होता है तो आपके दिल की धड़कनें, आपका मूड ऊपर नीचे होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस हमें इन हद की बातों से, लिमिटेड बातों से हमें परे ले जाता है, और हम फिर परमात्मा जो अनलिमिटेड है उससे हम खुशी उठाना शुरू करते हैं। तो एक जर्नी है, आस्ते आस्ते हर चीज़ से अपना अटैचमेंट हटाते जाना। सबसे पहले अपने शरीर से अटैचमेंट हटाना, तभी परमात्मा आपको कहते हैं कि आप अपने आप को आत्मा समझो, तब जा करके आपका शरीर से भी अटैचमेंट आस्ते आस्ते हटेगा। सोच में अगर आपको पढ़ना हो तो आप सोचें अच्छी सोच। कुछ लोग होते हैं सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग जो अच्छी सोच सोचते, तो एक सोच आपके लिए है। आज सोचिएगा, अगर मैं आत्मा हूँ और ये शरीर अगर मेरा नहीं है, मैंने इसको लोन में लिया है, तो ये शरीर के ऊपर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, अटैचमेंट है, जो भी आपने कमाई करी है, आपने कमाया है, ये शरीर से रिलेटेड है, इसके रंग रूप, इसके जो भी नक्शे हैं, वो चीज़ अगर आप नहीं हो तो फिर आपकी अस्तित्व, आपकी रियल वैल्यू क्या है एज अ आत्मा, अगर आप ये सोचेंगे तो आपको खुशी होगी, आप हल्के होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे परमात्मा क्या कहना चाहते हैं इसमें। तो देखिए, वरदान परमात्मा के हिसाब से बाबा कहते हैं, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। खुशी की खुराक से मन और बुद्धि शक्तिशाली होता है। दुखी हो जाएंगे छोटी छोटी बातों में तो आपकी शक्ति अभी खत्म हो जाएगी, वो लगेगा पूरे दिन भर आलस से अलबेलापन आ रहा है, क्या करें, बड़े दुखी हो गए, ऐसे अनुभव होंगे आपको। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा की खुशी को नहीं गवाने देना। तो कौन सी वाली खुशी, हद की बेहद की, देखते हैं उसको। वह बाबा वह, और वह मेरा भाग्य वह। बाबा कहते हैं यहाँ पे परमपिता परमात्मा, बाबा मतलब पिता, या आप कहें उनको रचयिता, या कहें या क्रिएटर कहें, आप कुछ भी नाम दें उनको, या ऊर्जा कहें, शक्ति कहें, जिहोवा कहें, अल्लाह कहें, शिवा कहें, आप कोई भी नाम से उनको कहें, परमात्मा कहते हैं वह बाबा वह, और वह मेरा भाग्य वह। अरे, आपको परमात्मा आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कि आपकी मन बुद्धि हल्की हो जाती है, और क्या चाहिए आपको, आपके अंदर शांति आनी शुरू हो जाती है। जब आप ये ज्ञान लेते हैं 7 दिन का कोर्स करते समय, पहला ही पार्ट आपको मिलता है कि आप एक आत्मा, आप शरीर नहीं है, उसी चीज़ को आप घोटते रहें। जैसे कि एक डॉक्टर बोलता है कि आपको ये 1 महीने तक ये दवाई खानी है, आप हर दिन दवाई खाते रहते हैं, इसी तरीके से आत्मा के मन और बुद्धि की दवाई ये आपके लिए है, और ये मन बुद्धि की दवाई आपके अंदर शांति ले आती है, आपके अंदर के जो भी कीटाणु हैं मन के अंदर, जो कि वायरसेस हैं आपके मन के अंदर, उनको सबको हटा देती है, जो मैला आपके मन रूपी टैंकी में जम गया है उसको साफ कर देती है। तो परमात्मा कहते हैं वह बाबा वाह, और वह मेरा भाग्य वाह, कि मैंने ये ज्ञान पाया आपसे, और मैंने ज्ञान मिला तो आप मिल गए मुझे, मुझे भक्ति का फल मिल गया ना। भक्ति के बाद में ये कहते हैं ना, भक्ति क्यों करते हैं, प्रभु आप अपने दर्शन दो, आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ रहते हो, कैसे दिखते हो, आपके अंदर क्या शक्तियाँ हैं, वो मुझे बताओ, मुझे मुक्ति का ज्ञान दो। तो वाह बाबा वाह, मुझे मिल गया है, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। अब ये गीत गाने के लिए तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप वाह वाह क्यों कर रहे हैं, उसको उसके लिए तो आपको ब्रह्मा कुमारी इसका 7 दिन कोर्स करना ज़रूरी है। फिर
आपको समझ आएगा कि वहा वहा क्यों करा जा रहा है। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। आज इंसान को खुशी मिलती है, उसको प्रमोशन मिल जाए, बिजनेस में थोड़ा सा उसको प्रॉफिट हो जाए, उसको कमाई कर ले वो फटाफट, या कुछ नई चीज़ें खरीद ले वो, अपने कपड़े चेंज कर लिए, फ़ोन चेंज कर लिया उसने, घर बार चेंज कर लिया, नई गाड़ी खरीद ली, पुरानी गाड़ी हटा दी, उसी से अल्पकाल की थोड़ी देर की खुशी होती है, और 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद वो खुशी हट जाती है, फिर किसी नई चीज़ में आँख लगनी शुरू होती है। परमात्मा कहते हैं वो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, थोड़ी देर के लिए आती चली जाती हैं, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो इंसान कभी भी अंदर से तृप्त नहीं फील करता है, कंटेंट फील नहीं करता है, संतुष्ट नहीं होता है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं। आप दवाई खाते हैं शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, विटामिन खाते हैं, लेकिन खुशी है मन का विटामिन, उसको अगर आप बरकरार रखें और दुनियावी जो हद की चीजें हैं उनसे उसको ना जोड़ें, तो आपकी खुशी बरकरार रहेगी। परमपिता परमात्मा खुशियों का सागर है। अगर आप उनके ऊपर मेडिटेट करें, जिसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, तो उनसे आपको खुशी मिलती रहेगी, वो आपको हील करते रहेंगे, और आपकी आदत जो दुनियावी छोटी छोटी बातों से खुशी उठाने की है, अब छोटी छोटी बातें हम कहते हैं ये खरीद लिया, वो कर लिया, यहाँ घूमने चले गए, वहाँ खा लिया, वो रेस्टोरेंट में चले गए, साथियों को मिल लिया, वो लिमिटेड खुशियाँ हैं, वो सदा के लिए नहीं रहती हैं, फिर भी खालीपन महसूस होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि आप ऐसी खुराक खाओ जो कि परमानेंट खुराक हो। तो परमात्मा परमानेंट खुराक है, दुनिया वाली खुशी आपकी टेम्परेरी खुराक है। कभी कमजोर नहीं होते, इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल होंगे। तो जो लिमिटेड खुशियां उठाएंगे लिमिटेड चीजों से, दुनियावी चीजों से, उनके अंदर खुशी की खुराक हमेशा के लिए नहीं रहेगी, वो अचल अडोल नहीं रहेंगे। आज आपने फॉर एग्जाम्पल एक नया फोन खरीदा, थोड़ी देर की खुशी हुई, फोन गिर गया, क्रैक आ गया स्क्रीन पे, खुशी गायब, गायब ही नहीं, आप दुखी हो गए और नेगेटिव हो गए। तो आपकी खुशी लिमिटेड चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट थी। परमात्मा कहते हैं मैं तो कभी टूट ही नहीं सकता हूँ, कभी खराब ही नहीं सकता हूँ, कभी मैं मरता ही नहीं हूँ, मैं तो अमर हूँ, तो मेरे से आपको अमर खुशी मिलेगी। लेकिन खुशी लेना किसको है? शरीर को थोड़ा खुशी लेना है। अगर आप अपने आप को आत्मा समझें तब जा करके आपको परमात्मा से खुशी मिले, लेकिन शरीर समझेंगे तो परमात्मा से कनेक्शन तो नहीं होने वाला। दुनियावी चीज़ें, दुनियावी लोगों से आप खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे और थक जाएंगे ढूंढते ढूंढते। अगर आप थकना चाहते हैं तो फिर आप आगे चलें उस मार्ग में, अगर नहीं थकना चाहते हैं खुशी ढूंढते ढूंढते, तो परमात्मा से जुड़ने का की विद्या लें जो कि ब्रह्म कुमारी में मिलती है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।